हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम अ चैप्टर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक, देखो बेटा, फील्ड एंड पोटेंशियल, फील्ड पोटेंशियल, दिस इज जस्ट अ नेम. जैसे एग्जाम्पल से समझो, मान लो बेटा दो मैग्नेट है ना, दो मैग्नेट. अब मैग्नेट को यहां रखो तो बेटा आपस में क्या जनरेट करते हैं, फोर्स. मैग्नेट को यहां रखो तब भी देखोगे कि मैग्नेट आपस में क्या जनरेट कर रहा है, फोर्स. लेकिन अगर इसी को बहुत दूर ले जाओ तो उनका एरिया क्या होता है, फिर देखोगे कि वो उस टाइप से फोर्स जनरेट नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब क्या होता है कि इस कोई मैग्नेट का इतना एरिया क्या है, ये उसका मैग्नेटिक फील्ड एरिया है. फील्ड एरिया मतलब क्या समझे, कि इतना एरिया तक में वो क्या है, बॉस है. अंडरस्टूड? मतलब इतना एरिया में वो किसी चीज को या अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा. यही ना प्रॉपर्टी होता है बेटा मैग्नेट का, है ना. लाइक पोल्स और अनलाइक पोल्स. अनलाइक पोल्स रहेंगे तो क्या होंगे, अट्रैक्ट टुवर्ड्स इच अदर. एंड लाइक पोल भी रहेंगे तो क्या होंगे, रिपेल टुवर्ड्स इच अदर. उनका ये, लेकिन वो लिमिटेड टू सर्टेन एरिया. अब ऐसा थोड़ी है कि बहुत दूर दूर मैग्नेट रख दिए तो बेटा आपस में अट्रैक्ट करेंगे, नहीं. तो जितने दूर में वो अपनी प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं, द एरिया अराउंड विच द मैग्नेट शोज इट्स प्रॉपर्टी, दैट पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड एरिया. सो फील्ड एंड पोटेंशियल, ये बस क्या है, केवल नाम है. एरिया दिया गया, फील्ड एरिया. सेम चीज वही भी चार्ज है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अलॉट अबाउट अ चार्ज. वी ऑल नो दैट लाइक चार्जेज रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर. यानी दो चार्ज आपस में भी क्या जनरेट करते हैं, फोर्स. फोर्स किए तक, बिना फोर्स का बेटा कैसे कोई रिपेल करेगा, बिना फोर्स का कोई कैसे अट्रैक्ट करेगा. यस और नो? तो सपोज करो कि ये चार्ज है, ये चार्ज है. इस चार्ज पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. अब मान लो इसका ये क्या हुआ, ये दिस मच एरिया क्या हुआ, फील्ड एरिया. मीन्स ये इतना एरिया में क्या है, ये बॉस है. इसका मतलब मान लो सपोज करो कि माइनस क्यू चार्ज है, देखो इस एरिया के बाहर है, तो ये देखो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस. तो अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट इच अदर. देखो इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा ये, लेकिन जैसे ही ये चार्ज यहां पे आया तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में ये प्रॉपर्टी शो करने लगेंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट. देखो तो इस एरिया के अंदर जैसे ही ये चार्ज आया, आपस में क्या शो करने लगा, अट्रैक्ट टुवर्ड्स इच अदर. अगर ये प्लस है तो ये देखो सर्कल के बाहर है तो ये कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही ये सर्कल के नजदीक आएगा ये आपस में क्या दिखेंगे, प्रॉपर्टी, फोर्स अप्लाई करेंगे. तो देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल इच अदर. तो यही हुआ इस चार्ज का, ये क्या हुआ, फील्ड एरिया. कैसे कहते हो आप लोग, कभी कभी लड़ते झगड़ते हो तो बोलते हो ना, आना मेरे घर में. तो बेटा घर तुम्हारा क्या हो गया, फील्ड एरिया. घर में तो सभी बॉस होते हैं, आना मेरे घर में. लेकिन अगर घर में आएंगे तब ना बेटा तुम या तो हमको अट्रैक्ट करोगे या तो रिपेल करोगे. हम घर के बाहर रहेंगे, जैसे देखो ये घर के बाहर है तो दोनों सेफ है. जैसे ही ये तुम्हारे घर के आसपास आए, तुम उनको गुस्साने लगे, डांटने लगे, बोलने लगे, पीटने लगे. लेकिन ऐसा काम आप लोगों को नहीं करना है, ठीक ना बेटा, इसको समझने के लिए है. तो ये चार्ज का क्या है, फील्ड एरिया है. मैंने इस एरिया तक ये चार्ज क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टीज को शो करेगा. अंडरस्टूड? यही इलेक्ट्रिक फील्ड है. द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी, दिस इज चार्ज बॉडी विद इन विच इट इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड. मैंने इस चार्ज का इन्फ्लुएंस, चार्ज क्या प्रॉपर्टी शो करता है, फोर्स जनरेट करता है. अपोजिट चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. सेम चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा. तो ये इसका इन्फ्लुएंस एरिया है, मैंने वो एरिया जहां पर यह चार्ज अपनी प्रॉपर्टी को क्या करे, इन्फ्लुएंस करे. अंडरस्टूड? This is known as electric field. This area is known as electric field area. Field area. जैसे charge का field area है, उसी तरह magnet का भी field area होता है. I think so everybody understood. One more point is what? It is a vector quantity. Now, अब वो कह सकते हैं बेटा कि electric field और potential around the charge, both are related to each other. Both have same characteristic properties. अंडरस्टूड? ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, बस नेम रखे हैं, फील्ड एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एरिया. यस और नो? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां पे क्या लिखा है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल.
पहला बात याद रखो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोन कैन नॉट बी डिफाइंड. अंडरस्टूड? तो उसके लिए सबसे पहले क्या समझेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या हुआ, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, दो लोगों में डिफरेंस, यस और नो? तो सपोज करो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी. अब यहां पे हमको सपोज करना है बेटा, बस थ्योरी है केवल समझने के लिए. अभी बोले कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, फील्ड, ये सब क्या है, जस्ट एज अ नेम. अब सपोज करो यहां पे हम क्या रखते हैं, बी पे क्या रखें, हम टेस्ट चार्ज. व्हाई टेस्ट? क्योंकि इसी से हम टेस्ट करेंगे, इसी से क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे. और ये याद रखना, दिस इज टेस्ट चार्ज, ऑलवेज पॉजिटिव, और ये क्या होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल रहेंगे. तो टेस्ट चार्ज हमेशा क्या रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव, रिमेंबर दिस थिंग, और वेरी स्मॉल. तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. क्यों पॉइंट ए भी लिए, क्योंकि पोटेंशियल क्या निकालना है, डिफरेंस. और डिफरेंस कैसे फाइंड होता है, हमेशा दो पॉइंट के बीच में. तो ये दो पॉइंट ले लिए, तो यहां पे हमेशा क्या रखेंगे, टेस्ट चार्ज. सपोज कर लो यहां पे क्या है, सोर्स चार्ज. हम इसको सोर्स चार्ज को भी क्या जूम कर रहे हैं, पॉजिटिव. आप निगेटिव भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टेस्ट चार्ज को हमेशा क्या लिखना है, पॉजिटिव. यस और नो? अब समझो कि अगर इस टेस्ट चार्ज को यहां से उठाकर यहां पे लाए, कौन ला रहा है, हम ला रहे हैं. तो अगर हम यहां से किसी भी चीज को उठाकर, अगर ये बुक भी उठाकर यहां से यहां लाओ, तो आप क्या कर रहे हो बेटा, घर में मान लो पंखे उठाकर यहां से यहां रखते हो, बुक को यहां से रखते हो, ये करते हो, तो आपसे पूछेंगे क्या कर रहे हो, तो बोलोगे ना कि काम कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, वर्क. तो बेटा कोई भी चीज अगर एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा तो क्या होता है, वर्क. वर्क कैसा हो रहा है, किस एजेंट से, एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि ये अपने आप में वर्क नहीं कर रहा है ना, इसको हम उठाकर यहां से यहां ला रहे हैं, है ना. तो ये वर्क एक्सटर्नल, देखो ईएक्सटी, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. तो इस टेस्ट चार्ज को अगर बी पॉइंट से कहां ले गए हम, ए पॉइंट पे, तो हमको इसके कैसे जाएगा, तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क. तो ये वर्क कैसा होगा, बाय एन एक्सटर्नल एजेंट. एक्सटर्नल एजेंट मीन्स व्हाट, कौन कर रहा है, तो बाहर का लोग कर रहा है, हम कर रहे हैं, हम उठाकर इसको यहां से यहां ला रहे हैं. अंडरस्टूड? तब हम बोलते हैं बेटा कि अब पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में क्या हुआ, देखो भी फाइनल, एफ फॉर फाइनल माइनस भी इनिशियल, तो फाइनल पॉइंट कौन सा हुआ, चेंज. चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल. कभी भी परसेंटेज भी पढ़े हो, परसेंटेज चेंज मैंने फाइनल माइनस इनिशियल. तो अभी चार्ज को यहां से उठाकर यहां रखे, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, फाइनल, और ये पॉइंट कौन सा हो गया, इनिशियल. तो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, भी फाइनल माइनस भी इनिशियल. भी इज सिंबल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये देख लो, याद रख लो, भी इज अ व्हाट, सिंबल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. जैसे वर्क का डब्ल्यू होता है ना, चार्ज का क्यू होता है, तो ये सिंबल हुआ पोटेंशियल डिफरेंस का. तो भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, यही हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट. और फाइनल पॉइंट कौन सा है, ए, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, बी. तो इसको वन कैन राइट बी एफ माइनस बी आई इक्वल टू बी ए माइनस बी बी. अब करना क्या पड़ रहा है इस चार्ज को, यहां से लाकर यहां लाए, तो क्या करना पड़ा, वर्क डन. तो वर्क डन कैसा किए, एक्सटर्नल. कैसे वर्क डन किए, बी टू ए, मैंने बी से ए की तरफ गए, डिवाइडेड बाई कौन, वर्क किसको, किसके थ्रू वर्क कर रहे हो, इस टेस्ट चार्ज को उठा रहे हो ना. तो ये हो गया वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज, कहां से कहां गए बेटा, बी टू ए. तब इसको क्या लिख सकते हैं, वर्क डब्ल्यू बी ए, मैंने बी से ए गए, बी से ए गए बाई क्यू नट. तो वन कैन राइट नाउ हियर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट है, ए और बी. तो बी ए माइनस बी बी इक्वल टू वर्क बी ए, बी ए मैंने बी से ए गए डिवाइडेड बाई क्यू नोट, मैंने वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज. वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. अब इसमें जो पॉइंट जरूरी है, देखो द टेस्ट चार्ज क्यू नोट शुड बी मूव वेरी स्लोली. याद रखिएगा पॉइंट, इसको कैसे मूव करना है, वेरी स्लोली. मतलब कह सकते हो कि हम यहां से यहां तक लाने में इनफाइनाइट स्टेप यूज किए, इनफाइनाइट स्टेप. इसलिए वेरी स्लोली, क्यों, कि अगर स्पीड ज्यादा हो जाएगा बेटा तो एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा. अगर स्पीड को चेंज करोगे तभी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इन एक्सेलरेशन. टेस्ट चार्ज को कैसे मूव करना है, वेरी स्लोली, इतना स्लोली कि यहां से यहां आने में आपको कितना स्टेप लगे, इनफाइनाइट. अच्छा, टेस्ट चार्ज को और क्या होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल. टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव. टेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी से टेस्ट कर रहे हैं हम. दैट मींस इसका स्पीड भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट. और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होना चाहिए, नहीं चेंज होना चाहिए. दैट मींस स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज शुड नॉट बी चेंज्ड. दैट मींस नो एक्सेलरेशन. इसीलिए बोल रहे हैं बेटा कि वेरी स्लोली यहां से यहां आना है.
सो नाउ दिस फुल डिस्कशन कैन बी समराइज्ड इन दिस वे. क्या किया हम बेटा, कैसे डिफाइन करोगे पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट. सिंपली वन कैन डिफाइन दिस. नाउ अदर वे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मे बी डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन. टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क कौन कर रहा है? एक्सटर्नल एजेंट. कौन कर रहा है? हम बाहर के लोग कर रहे हैं. बाहर के लोग इसको उठा के यहां से हिला रहे हैं. तो वर्क डन बाय, देखो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नोट. किसको मूव करा रहे हो? इसको, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये हम कब कैसे मूव कराएंगे? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. आई थिंक सो एवरीबडी अंडरस्टूड. यस और नो? बहुत सिंपल है. पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस रखना है. अभी टेस्ट चार्ज समझ गए नहीं समझ गए? आई थिंक सो एवरीबडी अंडरस्टूड. सी हियर नाउ, इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट डिनोटेड बाई वी. अब देखो क्या था पोटेंशियल डिफरेंस? बी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए डिवाइडेड बाई क्यू नोट. अब देखो वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल. चार्ज का क्या होता है? कोलम. जूल डिनोटेड बाई जे, कोलम डिनोटेड बाई सी. और यहां पे क्या लिख लिया है? बी ए माइनस बी बी को वोल्ट. तो अब कर सकते हैं वन वन से, वन वोल्ट इज इक्वल टू वन जूल बाई वन कूलम. सो वन कैन ऑल्सो डिफाइन दिस इन अ मैथमेटिकल वे. सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट सेट टू बी वन वोल्ट इफ वन जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ वन कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर. वन कैन ऑल्सो डिफाइन इट बाई मैथमेटिकल वे. ठीक है. नाउ सेकेंड पॉइंट देखो, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए. अब वहां से हम ये समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाउ ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल एट अ फिक्स्ड पॉइंट. पोटेंशियल एट अ फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस कैन बी डिफाइंड ओनली व्हेन इफ यू पुट द टेस्ट चार्ज क्यू नोट एट इंफिनिटी. अभी यहां पे हम टेस्ट चार्ज कहां रखे थे बेटा? टेस्ट चार्ज कहां रखे थे? देखो अभी बी पॉइंट पे था. अब इस बी को कहां रख देंगे हम? इन्फिनिटी पे. कहां पर रख लेंगे? इन्फिनिटी पे. यस ना? नो. देखो अब ये क्यू नोट है क्या? टेस्ट चार्ज. ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए. अब बी पॉइंट को कहां पे ले गए हम? इन्फिनिटी पे. यस और नो? तो वन कैन राइट, वी ऑल नो दैट बी ए माइनस बी बी इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू एक्सटर्नल. यहां से यहां जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? वर्क डन. वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट. अभी डिस्कस, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, बी टू ए डिवाइडेड बाई क्यू नोट. अब बी कहां चला गया? इन्फिनिटी पे. तो B को क्या लिख देंगे? वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इजकल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल. B की जगह क्या है? इन्फिनिटी टेस्ट टू A. मानी इन्फिनिटी से A पे आ रहे हैं. ये पॉइंट कहां पे है? इन्फिनिटी पे. इन्फिनिटी से अब इस पॉइंट पे आ रहे हैं. यस और नो? तो W एक्सटर्नल बाई क्यू नोट. अच्छा यहां पे एक चीज क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने में? ये आपको एज्यूम कर लेना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इजकल टू वॉट? जीरो. हमको एज्यूम कर लेना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इजकल टू जीरो. सो वन कैन राइट वी ए माइनस वी बी. वी बी की जगह क्या लिख दिए? जीरो इजकल टू सिंपली डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नोट. सो वन कैन राइट वी ए. अब देखो सिंपल पॉइंट पे आ गया. इसीलिए क्या बोले हम कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट. हम किसी पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं इसको. तो वी ए इजकल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नोट. सो नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपली वन कैन राइट वी इज इक्वल टू वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज. तो यहां पे वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज क्या हो रहा है? बाय ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू सम अदर पॉइंट. सो वन कैन डिफाइन इन दिस वे. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट मे बी डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू सम अदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. यस सर? नो. क्यों? अंडरस्टूड आई थिंक सो. तो बी पोटेंशियल इन्फिनिटी पे जीरो क्यों लिए? तो बेटा अगर ऐसा नहीं लेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट कभी फाइंड ही नहीं कर सकते हैं. ये कोई वैसा वर्ड नहीं है. वर्ड क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस एक वर्ड है कि दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस. अब सिंपल सोचो ना बेटा, तुम घर में बैठे बैठे बोलो कि मेरे पास बहुत पोटेंशियल है, हमको मौका मिलता तो हम बहुत कुछ कर सकते थे. ये नहीं बोलोगे? आपको कोई रोक के नहीं रखा है बेटा? तो अगर आप अकेले अकेले बोलोगे कि मेरे पास बहुत पोटेंशियल है तो वो पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल एट ए पॉइंट. लेकिन अगर आपको बताना है पोटेंशियल को तो क्या करोगे? आप किसी से लड़ोगे, ओलंपिक जाओगे, लड़ोगे, गोल्ड मेडल लाओगे, सिल्वर लाओगे, फुटबॉल खेलोगे, विन करोगे, जीतोगे, हारोगे, तब ना पोटेंशियल का पता चलेगा, तब ना पोटेंशियल डिफरेंस का पता चलेगा कि हाँ हम जीत गए तो मानेंगे बेटा आपके पास पोटेंशियल है, हार गए
तो समझेंगे नहीं है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस का कुछ मतलब होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप एट ए पॉइंट पे कभी ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते हो। डिफाइन तभी होगा जब दूसरा पॉइंट कहां पे है, टेस्ट चार्ज कहां रखेंगे हम, इन्फिनिटी पे। दैट्स वाई वी हैव एज्यूम्ड पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट अ वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज। बट यहां पे जो पॉइंट बी कहां पे है वो इन्फिनिटी पे है। नाउ दिस इज होमवर्क फॉर यू, आई थिंक सो एवरी वन कैन सॉल्व इट इजली। दिस इज ए न्यूमेरिकल, ध्यान देना बेटा इस पे, ये न्यूमेरिकल इस पे डिपेंड है। वी ए माइनस वी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। इसलिए न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा। यस एंड ऑल्सो रीड द एनसीईआरटी बुक वर्ड बाई वर्ड। थैंक यू वेरी मच।